हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार और मेरे इस चैनल में। दोस्तों जो भी मेरे दर्शक हैं वो मुझे देख रहे हैं, उन सभी को दिल से हैप्पी होली। आई होप आप इन्जॉय कर रहे होंगे। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अपडेट की तरफ। दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किन किन डिवाइस को नए सॉफ्टवेयर अपडेट मिले हुए हैं, और साथ में हम दो डिवाइसों की बात करेंगे जिसकी मुझे सबसे ज़्यादा कमेंट आती है। जो पहला डिवाइस है वो नोट 20 अल्ट्रा है, क्या उसमें 5G चलेगा या नहीं चलेगा, आज उसके बारे में बात करेंगे। और दूसरा डिवाइस दोस्तों वो S20 है 5G, जो कि कई दोस्तों ने इसको बाय कर लिया है, जो कि इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ था क्योंकि इंडिया में उसको 4G लॉन्च किया गया था, और कई दोस्तों ने वो जैपनीज़ मॉडल है उसको बाय कर लिया है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे, क्या उसमें 5G चलेगा या नहीं चलेगा, क्योंकि दोस्तों मैंने कस्टमर केयर से बात करके ये मतलब कन्फर्म किया था। तो आज हम उसी के बारे में आपको बताएंगे। तो उम्मीद दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो पसंद आएगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों ऐसी वीडियो देखने के लिए। दोस्तों अगर आपके पास भी कोई अपडेट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, अगली वीडियो में आपको मेंशन कर दूंगा, आप उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेज सकते हैं। दोस्तों मैंने सैमसंग इंडिया से बात की थी तो कॉल रिकॉर्डिंग में कर नहीं पाया, आप देख सकते हैं आप मेरे यहाँ मोबाइल में कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है नहीं। अगर दोस्तों आपके में कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मेरे में दोस्तों ऑप्शन आ नहीं रहा है, पता नहीं क्यों अपडेट के बाद। दोस्तों हम बात कर रहे हैं S25G के बारे में। दोस्तों मैंने बात की थी उन लोगों से, उन्होंने बताया था सर ऐसा हो नहीं सकता, 5G इसमें वर्क नहीं करेगा। जो भी लोग दोस्तों S25G ले रहे हैं, मैं उनसे प्लीज़ मना करना चाहता हूँ दोस्तों, आप इसके ऊपर पैसे इन्वेस्ट मत कीजिए क्योंकि दोस्तों इसमें 5G चल नहीं रहा है। मैं भी फ़िलहाल अभी S20+5G यूज़ कर रहा हूँ और मैं दोस्तों सारा कुछ करके देख लिया तो फिर भी दोस्तों मेरे में 5G नहीं चला, तो प्लीज़ आप इसको इग्नोर कीजिए, इसमें 5G नहीं चलने वाला। तो आगे दोस्तों हम बात कर रहे हैं बनी हुई 5.1 के बारे में। जिस डिवाइस का है वो डिवाइस है सैमसंग गलेक्सी M42, आप यहाँ देख सकते हैं, और ये 2021 में लॉन्च हुआ था एंड्रॉयड 11 पर, और अभी इसको बनी हुई 5.1 और एंड्रॉयड 13 अपडेट मिल चुका है, और आप अपने डिवाइस को जाके अपडेट कर सकते हैं, और ये अच्छा डिवाइस है दोस्तों मेरे हिसाब से। तो आप देख सकते हैं उसको कुछ इस तरह से है, ये उसको अपडेट मिला हुआ है। और अपडेट साइज की अगर हम बात करें तो 996 MB का 996.31 MB का अपडेट है, आप यहाँ देख सकते हैं। दोस्तों अगले डिवाइस की अगर हम बात करें बनी हुए 5.1 के बारे में, तो दोस्तों उस डिवाइस का नाम है सैमसंग गैलेक्सी M31, उसको भी दोस्तों एक अपडेट मिल चुका है, आप देख सकते हैं जनवरी का अपडेट है उसमें M31 में। तो आप अपने डिवाइस को जाकर अपडेट कर लीजिए, जो भी काफ़ी पुराना डिवाइस है। दोस्तों आगे बढ़े हम अगले डिवाइस की तरफ, तो दोस्तों वो भी बन वही 5.1 के बारे में, उसके बारे में न्यूज़ आ रही है, और उस डिवाइस की हम बात करें तो आप देख सकते हैं M42, जो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, तो उसको भी एक नया अपडेट मिल चुका है। दोस्तों आगे हम बात करें तो सैमसंग गैलेक्सी F62, उसको आप देख सकते हैं नया अपडेट मिल चुका है 1 फरवरी, और रोबन यू 5.1 का इसमें अपडेट मिल चुका है, आप देख सकते हैं इसको। F62 दोस्तों काफ़ी अच्छा डिवाइस है, मैंने इसको यूज़ किया है, उसका बैटरी बैकअप मुझे बहुत पसंद आया है, तो आप देख सकते हैं। दोस्तों आगे हम बात करें तो Watch 4 के बारे में, तो उसको भी एक अपडेट मिल चुका है, अगर आप Watch 4 सैमसंग यूज़ करते हैं आप उसको अपडेट कर लीजिए। और आगे बात करें Note 20 Ultra डिवाइस के बारे में, तो उसकी हम आगे हम बात करेंगे। फिलहाल अभी हम जो आगे जो आपसे बात करना चाहते हैं वो सैमसंग गैलेक्सी M21 के लिए है, उसको भी दोस्तों एक नया अपडेट मिल चुका है कुछ इस तरह से। दोस्तों अगर हम बात करें नोट 20 अल्ट्रा के बारे में, तो मेरी दोस्तों उनसे बात हुई थी और वो मुझे बोल रहे थे सर उसके ऊपर काम चल रहा है और जल्द से जल्द हम उसको स्टैंड अलोन 5G नेटवर्क प्रोवाइड करेंगे, तो उसके लिए अभी वर्क चल रहा है। अगर आप नोट 20 अल्ट्रा यूज़र हैं तो आप टेंशन हो के कोई दिक्कत नहीं है, आप अपडेट कर लीजिए। दोस्तों आगे अपडेट की बात करें तो वो S21 Plus की आ रहा है, उसको बनी हुआ 5.1 का अपडेट मिल चुका है, अगर आप S21 Plus यूज़ करते हैं तो आप अपने डिवाइस से जाके अपडेट कर लीजिए। फिलहाल दोस्तों यही अपडेट था, और आई होप ये वीडियो पसंद आई, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।